ओके okay, मेरा नाम डॉक्टर आर एस बावा है और मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का प्रो चांसलर अज असी बनाला विखे आए हैं। साडा उपराला यह है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिहड़े 60 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप इस साल देन जा रही है उसके बारे जानकारी हर विद्यार्थी और उसके माता पिता तक पहुँच सके। साडा जिहड़ा अंदेशा है उद्देश है वह यह है कि कोई भी होनहार विद्यार्थी जिहड़ा कि पढ़ाई करना चाहता है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेना चाहता है वो इस गल तो वांझा ना रहे। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दे विच उहो दाखला लैण लई टैस्ट दे सकदा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जिहड़ा एंट्रेंस टैस्ट है उहदा नाम है सी यू सैट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टैस्ट सी यू सी ई टी। साडी वैबसाइट cuchd.in ते जाके विद्यार्थी सी यू सैट दे उत्ते क्लिक करेगा उत्थे रजिस्टर करेगा, नॉमिनल फीस है 1000 रुपया वह पे करेगा और उहदे बाद यह टैसट जिहड़ा कि 30 अप्रैल तक खुला है ओपन रहेगा जिहदे च कि सब तो वध स्कॉलरशिप दिते जाणगे 100% तक उहदे च अपीयर हो सकता है। इहदे जिहड़ी विशेषतावां ने टैस्ट दियां उह इह है कि विद्यार्थी अपनी मर्जी का दिन चुन सकता है हुण तो लैके 30 अप्रैल तक जदों मर्जी जदों बच्चे नूं लगे कि मेरी तैयारी है वह टैस्ट की मिति चुनेगा। जिहड़े उहनें विशे पढ़े है प्लस टू दे विच उह सिलेबस अपनी मर्जी का चुन सकेगा उसके बाद वह समा अपनी मर्जी का चुन सकेगा सवेरे या शाम नूं जदों भी उह ऑप्शनस होणगियां। पर सब तो वड्डी गल कि इह टैस्ट उह अपने घर बह के दे सकदा है। विद्यार्थी कोले लैपटॉप होना चाहिए कैमरे वाला या कैमरे वाला डैस्कटॉप होना चाहिए क्योंकि असं उन्होंने मोनीटर करा इस टैस में प्रोक्टर टैस्ट कहें हैं ताकि विद्यार्थी कोई भी वो अनफेयर मीज ना यूज कर सके अनुचित साधन ना यूज कर सके नकल ना मार सके। विद्यार्थी अगर कोई कोशिश करता है कि इधरों उधरों देखने की या इंस्ट्रक्शन साड़िया फॉलो नहीं करता तो उन्होंने वार्निंग इशू होएगी। अगर वह वार्निंग से अपने आप में सुधार लेंदा है और वह टैस कंप्लीट हो जाता है तो वह अंक उन्होंने उस वे दसते जाएंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सी यू सी ई टी के 90% या उस तो वधेरे अंक लैन वाले 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। जे 80% अंक आने तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। जो जो अंक घटते जाएंगे स्कॉलरशिप की राशि घटती जाएगी और 40% वाले भी 10% स्कॉलरशिप मिलेगा अगर राशि बाकी बचेगी। तो लेकिन मैं ये जानकारी दस दें कि जो स्कॉलरशिप है पूरी अकैडमिक फीस से असी दें पूरी डिग्री लिए होएगा। बच्चे नूं केवल 7.5 ग्रेड पॉइंट मेनटेन करनी पएगी। वो किसी विषय चो फेल नहीं होना चाहिए वो लैक्चर शॉर्ट नहीं होने चाहिए और कोई अनुशासनहीनता का केस वे नहीं होना चाहिए। अगर ये शर्त पूरी करेगा तो उन्हें पूरी की पूरी डिग्री लिए स्कॉलरशिप दिता जाएगा। मैं ये दस दें कि पिछले साल लगभग 21,000 बच्चों ने स्कॉलरशिप का लाभ उठाया 10% तो लैके 100% स्कॉलरशिप तक। इस तो अलावा जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़ने के लाभ हैं वो है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से लास्ट ईयर पिछले साल 900 कंपनियां आई और 9500 नौकरियां की पेशकश जी बच्चों हुई। यद अर्थ यह है कि कोई भी विद्यार्थी जोड़ा एलिजिबल है उन्होंने नौकरी मिल जाती है। जोड़ा साड़ा मिनिमम पैकेज है वह लगभग 4 लाख है। हाईएसट पैकेज जोड़ा विदेशों मिले बच्चे 1.07 करोड़ है और जोड़ा भारतीय कंपनियां ने दिता वह 52 लाख के करीब है। एवरेज जोड़ा पैकेज है इंजीनियरिंग आई टी वो लगभग 8 लाख तो ज़्यादा है और MBA वाले लिए 6 लाख के करीब है। ईवन BCOM BBA वाले भी BSC बायोटेक्नोलॉजी BSC दूजी MSC इन्हों भी जो पैकेज है वो एवरेज पैकेज 4 लाख रुपए का मिल जाता है। मैं जिम्मे दसिया कि 60 करोड़ का बजट है जी, लेकिन मैं ये भी ना स्पष्ट कर दिया कि अगर मेरे को 90% वाले बच्चे जिन्होंने मेरे टैस्ट में अंक प्राप्त करने हैं या 80% वाले बच्चे जिहड़े 50% अंक स्कॉलरशिप लेंदे है उन्होंने गिणती अगर बढ़ जाएगी तो असी स्कॉलरशिप की राशि बता देंगे। असी किसी भी होनहार बच्चे पढ़ाई तो वांझा नहीं रहिंदे। असी देखो जी बनाला विखे आए हैं असी इनफैक्ट हुणे फैसला किया कि वड्डे शहरों के बच्चों को पूरी जानकारी कई स्रोतों तो मिल जाती है लेकिन जिहड़े छोटे शहरों के या उहदे नाल लगदे पिंडां दे बच्चे है उन्हां कोले जानकारी नहीं पहुँचती। बहुत सारे होनहार बच्चे उचेरी सिक्ख्या तो वांझे रह जाते हैं जां विशेष करके विश्व स्तर की जिहड़ी सिक्ख्या है उह तो वांझे रह जाते हैं। तो असी इस करके विशेष करके बराड़ा विखे आए हैं और सानू विश्वास है कि तुहाडे सारयां दे माध्यम नाल हर बच्चे तक यह सुनेहा पहुँचेगा, हर माता पिता तक यह सुनेहा पहुँचेगा और सारे के सारे बच्चे जिहड़े ही स्कॉलरशिप की राशि दे रहे हैं उहदा लाभ उठाउणगे और अपना फ्यूचर जिहड़ा है भविख बनाउणगे अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी प्लेसमेंट हुई है फैडरल बैंक के एज एन प्रोबेशनरी ऑफिसर 13.5 लाख का पैकेज पर एनम तो यूनिवर्सिटी ने मैंने बहुत हैल्प की है यह गोल अचीव करने ली। तो साडा परसनली DCPD डिपार्टमेंट है जिन्हें सानू बहुत हैल्प की
मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ साढ़े कॉलेज का वाइस चांसलर दिता जिन्होंने साड़ी प्लेसमेंट करवाई। ਕਟਰਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਿਲੀਪ ਬਾਂਸਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੀਟੈਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ 4 ਆਫਰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪੈਕੇਜ ਹੈਗਾ 30 lakhs ਓਵਰ 4 years, ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਮ ਯੂ ਸਿਵਾ ਕੰਪਨੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਡਿਸਪਲੀਨਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਔਫਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨੁਰੋਧ ਦੁਬੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ CUCET ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਾਲ ਸੇਮ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਬਟ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੇਟੈਂਟ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਲੀਨਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਂਟਰ ਸੁਰਭੀ ਮੈਮ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ HOD ਮੈਮ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਤੂਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਮਾਂ ਈਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਏਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।